इस गाय ने ना भी ये बच्चा दिया है हमारा। मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा भी था कि ना हमारी ना एक गाय ना बच्चा देने वाली है, वो ये वाली गाय थी। देखिए अभी इसने ना ये बच्चा दिया है और माशाल्लाह ये ना बछड़ा दिया है अभी। ये देखे कितना प्यारा है माशाल्लाह, ये देखे मारेगी लड़ दिया लड़ती है भाई ये। जब भी आपकी गाय ना कभी मैं आपको बताऊँ बच्चा दें तो गंदम तो आप लाजमी दें, क्योंकि ये जो बच्चा देने के बाद घेर देती है ना उसमें ये हेल्प करता है उसे बाहर निकालने में, तो गर्म चीज आप लाजमी दें। ये देखिए मुर्गी से लड़ रही है। कौन? हाँ हाँ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। तो यार आज ना हमारे फार्म पे एक बछड़ा आया है, ये देखें, और ये माशाल्लाह बछड़ा है और ये हमारी इस गाय ने दिया। मैंने आपको ना कुछ दिन पहले बताया भी था कि ना एक गाय हमारी ना यम करने वाली है, माना बच्चा देने वाली है, तो वो वाली गाय ये है माशाल्लाह। देखें आप, हमने ना अपनी गायों को घास डाल दिया, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी ना ये खुद पर खुद अपनी टांगों पर खड़ा हो गया है, तो अभी इसको ना दूध पिलाते हैं जल्दी से और इसकी गाय को बाहर निकाल के फिर इसके पैर बांधेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा है शायद ये लात वगैरह ना लगा दे। लात लगा दी तो भाई ये जो दांत है ना निकल आएंगे। इस बच्चे को ना अभी ना हमने दूध वगैरह पिला दिया है और ये देखे कितनी सारी गाय के यहाँ पे खड़ी हो गई और इसे देख रही हैं, ये सोच रही हैं ये हमारा बच्चा है, और ये अपने बच्चों को आवाज़ देने लग गई है जो कि अंदर बैठे हैं। और ये देखे कैसे देख रहा है ये वाला धीरे धीरे सेवन का बच्चा, ये रेड एंड वाइट को देखें, ये इसे देख रही है। 35 नंबर 10 नंबर सारी गाय हमारी इसको ही देख रहे, भाई ये हमारा बच्चा है। तो ये देखे कितना क्यूट है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप सोच रहे होंगे ये केज हमने इसमें अलग से क्यों बंद किया हुआ है और इसे हमने खुला क्यों नहीं छोड़ा हुआ कि ये घूमे फिरे। तो यार इसलिए क्योंकि ना ये जो मट्टी खा लेना तो उसे डायरिया हो सकता है और ज़रूर हो जाएगा अगर आपका बच्चा ना बाहर घूमता रहे और ये मट्टी वगैरह खा ले थोड़ी सी भी, तो 70% चांस नहीं रहते आपके बच्चे के बचने के। आपके पास हैं गाय तो आप लाजमी ऐसा केज बनवाएं जो कि आपके गाभी या बच्चों के लिए ना सही रहे, कि ना वो बाहर ना निकले। और 30 से 35 दिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका गाभी का बच्चा ये ना खाए मट्टी। अभी ना हमने ना गाय को निकाल दिया है बाहर और अभी इसको ना वंडा दे रहे हैं हम। हमने ना अपने बकरे बाहर निकाल दिए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, क्योंकि अभी ना धूप जाने वाली है और अभी ना हमने ना बाहर निकाल के घास वगैरह डाल दिया, क्योंकि ना अभी ना हवा हल्की हल्की चलना स्टार्ट हो गई और मौसम भी काफ़ी हद तक ठीक है। देखिए आज बादल वगैरह क्लाउड मौसम है। ये जो हमारी बकरी है ना दोस्तों ये कमज़ोर हो चुकी है, ये पिछली टांग है ना इसकी, इनके सहारे पे ये ना खड़ी रहती है। ये देखिए अभी ये टांग इसने उठा ली, मतलब कि जब से इसने बच्चे दिए ना तो ये कमज़ोर हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब ताकत नहीं है इसमें। तभी मैंने ना डॉक्टर को बुलाया, इसको मल्टीना ताकत के कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं फिर ये इंशाल्लाह हमारी ना ठीक हो जाएगी। तो अभी इसको ना हमने ना खुला छोड़ देते हैं, घास वगैरह खाती रहती है सारा दिन यहाँ पे ये अंदर बैठी होती है पखों के नीचे। अभी ने बाहर निकाल दिया है और अभी ना हम अपने पिगन्स खोल देते हैं। मैंने ना अभी ना कबूतरों पिगन्स को अपने खोल दिया है, कबूतरों को खोल दिया है। तो अभी ऐसा करते हैं इनको दाना वगैरह डाल देते हैं, दाना शायद पहले पड़ा हुआ है इनके पास, दाना पड़ा हुआ है, दाना रहने देते हैं वरना ये ज़ाया ही करेंगे। ऐसा करते हैं अपने ना बजीज के पास चलते हैं, बजीज को आप देखें माशाल्लाह। यार अभी ना मौसम देखें माशाल्लाह, तो रात को ना बारिश आएगी, पक्का बारिश आएगी, आप खुद देख ले अंदाज़ा लगा सकते हैं बादलों से कि काले बादल है और रात को बारिश आएगी। तो हम ऐसा करेंगे कि ना जो हमारी मिल्किंग मशीन है ना ये बारिश में हो जाएगी ख़राब इधर अगर हम रखेंगे, तो हमने इसे अपना ना जहाँ जनरेटर रखा हुआ है अंदर तो यहाँ पर रख के जाएंगे ताकि ना ये गीली ना और ख़राब ना हो, क्योंकि सुबह हमें फिर मिल्किंग भी करनी है और बारिश से भीग गया ना। तो ये देखे कितनी इंजॉय करी है हमारी गाय, पकाया तो गए ना भाई, खाया या पी रही है, क्या व्यू है यार देखें आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये असील मुर्गा, ये गाय हमारी ना जिसने बच्चा दिया ये जेर कर रही है अभी, और पिगन्स को भी देख लें आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। दिल करता है पैरट्स को भी खोल दूं मगर वो ना जैसे हमारा उस दिन एक बजीज उठ के यहाँ से निकला था ना, बस वो सब ऐसे निकलेंगे सीधा।